वेणुगोपाल जी के लिए ये सिंहासन बनाना बताऊंगी। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है बनाने में बहुत ही ईजी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टीन का एक राउंड बॉक्स चाहिए, रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल, स्टोन की ये लेस एंड मोती की लड़ी। सबसे पहले हम टीन के इस बॉक्स में एल्युमिनियम फॉइल रैप करेंगे। ये मैं 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने 6 इंच डायामीटर का ये बॉक्स लिया है। अगर हमारे पास टीन का ये बॉक्स नहीं है तो हम थिक थर्माकोल की सीट को इस शेप में और इतनी ही ऊंचाई में कट कर लेंगे। ये ऊंचाई मैंने 3 इंच की रखी है। सबसे पहले हम इसमें एल्युमिनियम फॉइल रैप कर लेते हैं। ये इस तरह से रैप हो जाएगा सब साइड से। ये रैप कर लेने के बाद हम इसके सिंहासन का ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये पार्ट बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड की ये सीट लेंगे, हैंडमेड सीट। इसको हम इस साइज में कट कर लेंगे। ये मैंने ये इसका शेप बनाया हुआ है, इसलिए इस शेप को हम कट कर लेंगे। ये हम हाफ पहले जो जितना हम लेंगे हैंडमेड सीट उसका पहले हाफ में मार्क लगा लेंगे। हाफ में मार्क लगाने के बाद हम हाफ में ही डिज़ाइन बनाएंगे। हाफ में डिज़ाइन बना लेने के बाद जब कट जाएगा उसको इधर रख कर फिर वो शेप काटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। धीरे धीरे कट करेंगे, इस तरह से कट हो जाएगा। ये कट कर लेने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम इधर रख कर कट करेंगे। ये इस शेप में हम मार्क लगा लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। ये मैंने इस शेप में कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच की रखी है और ऊंचाई 7 इंच की। ये आप अपने हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए छोटा चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको कट कर लेने के बाद हम इसे भी फॉइल पेपर से रैप कर लेंगे। ये दोनों साइड से रैप करेंगे हम। थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे नहीं तो ये फट जाएगा। थोड़ा थोड़ा फट रहा है। चेक का पार्ट हम उसे कट भी कर सकते हैं।
तो स्टिक से थोड़ा थोड़ा पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह से पेस्ट हो गया। ये पेस्ट करने के बाद हम इसमें इसे इस तरह से पेस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ तक हमें स्टोन पेस्ट करना है। हम ग्लू गन के हेल्प से ये स्टोन इसमें पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा ऐसे रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसे इसमें पेस्ट कर लेंगे। ये पूरा नीचे से इस तरह से हम इसमें पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके अब हम ये साइड में भी स्टोन की ये लेस पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पूरा बैक साइड पूरा ये कवर हो जाएगा।
उनको एक सर्कल में कट कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर वेलवेट का कपड़े से उसे सिल दिया और मैट्रेस का मैट्रेस बनाया है। इसे हम इसमें पेस्ट की साइड में हम मोती की लड़ पेस्ट कर ये मैंने एक लड़ पेस्ट कर ली है। अगर इसके बाद अगर आपके पास स्पेस है तो आप एक लड़ और पेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एक लड़ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा है तो जैसे हमारे पास स्पेस ज़्यादा था तो हमने तीन लड़ पेस्ट की है।